हेलो गाइस, ये एक ट्रैवल ब्लॉग है और आज मैं जा रहा हूँ सिद्ध नरसिंह बाबा मंदिर, जो कुमाऊं रीजन में काफी फेमस है। मंदिर तक जाने के लिए आपको लोहाघाट से खेतीखान जाना पड़ेगा और खेतीखान से चंपावत वाली रोड में, जो लगभग खेतीखान से 10 किलोमीटर आगे आएंगे चंपावत वाली रोड में, तो ये मंदिर पड़ता है, जिसमें से 2 से 3 किलोमीटर एक कच्ची रोड है, या आप उसे बोलेंगे कि एडवेंचर रोड। एडवेंचर रोड मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे ब्लॉग देखेंगे तो पता चल जाएगा, तो इसके एंड तक बने रहिए और पूरा ब्लॉग जरूर देखिए। देखो अब है ये रास्ता ऑफ रोड, ये है सिद्ध नरसिंह मंदिर मार्ग, ये कैलाश चंद गहतोड़ी जी ने बनाया। भाई साहब इसमें लिख तो देते कितना किलोमीटर है, ये ऑफ रोड कितना है भाई, मज़ा आएगा आप लोगों को। भाई साहब ऑफ रोड के मजे ले लो। बिल्कुल जंगल से होते हुए जा रहे हैं और मैंने सुना कि आजकल शेर भी आ रखा है यहाँ पे। नरसिंह बाबा का मंदिर, कौन से नरसिंह मंदिर है तो शेर तो होगा ही भाई, खुशी बात है। अमेजिंग मैन, इट्स अमेजिंग रियल। मैं कहा मंदिर के दर्शन के लिए आया था और यहाँ पे तो रास्ते ने बिल्कुल मजा ही कर दिया भाई साहब। इमेजिन करो अगर इस रास्ते में थोड़ा बारिश हो गई और कीचड़ कीचड़ हो गया भाई साहब, फिर है ये रास्ता, फिर तो इसमें टायर में बादल चैन और उसके बाद चलो इस रास्ते में। भाई लोग जिसको भी ऑफ रोडिंग करनी हो और मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है तो आप एक बार आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया है और थोड़ा बहुत आपको ऑफ रोडिंग भी मिल जा रही है, और क्या चाहिए भाई। थंडरबर्ड तो फेमस है स्लिप होने के लिए, बट भाई हमारी पूरी कोशिश रही थी कि ना हो स्लिप, क्योंकि यहाँ कोई है भी नहीं और मैं आप सिर्फ एक जैकेट पहना हुआ सेफ्टी गियर्स नाम पे और मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, पैरों में तो कुछ है नहीं, सिर्फ जूते हैं भाई, उठने उठने चलने की पूरी संभावना है यहाँ पे। ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ये
थोड़ा अपना टोपा दिक्कत कर रहा है भाई, जो हेलमेट के अंदर है वो भाई साहब खिसक के मेरी आंखों तक पहुंचने जो हो सकते हैं। जंगल के बीच से होते हुए जा रहे हैं आप ये सब फील करते हैं रामनगर वाली रोड पे। आप रामनगर जाते हैं कॉर्बेट पार्क के सब, वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा। अगर यहाँ पे शेर आ गया सामने से तो कॉर्बेट के तो पूरे मज़े आ जाएंगे यहाँ पे। जो करेगा वो करेगा, आपने को क्या है, हम तो उसे हम खड़े रह सकते हैं, बस भागेंगे तो उसका इलाका है कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा उसके, उस पर छोड़ दो भाई तुझे भूख लगी है तो। खैर जो शेर रहते हैं, ज़्यादा शेर या जो भी यहाँ के जानवर रहते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो इंसानों पर उतना उनका ऐसा कुछ रहता नहीं उतना कि इंसानों पर इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ जंगल में उन्हें भरपूर जानवर मिल जाते हैं। हाँ अगर वो लोग कभी वैसे ही करेंगे आप पे अटैक जब कोई ऐसी कंडीशन हो। ओ मैन, फाइनली मंदिर पे पहुंच गया हूँ मैं। मंदिर यस, यहीं तक है रास्ता और ये मेरे सामने मंदिर। अमेजिंग मैन, ये है सामने मंदिर। हमारी बाइक का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, अब शूटिंग का पार्ट है तो आपको मंदिर यहाँ से दिखा देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद ऊपर जाके हम मंदिर के भी दर्शन करेंगे और कुछ शॉट्स भी लेंगे। ये एक मंदिर का मैंने टाइमलेस वीडियो लिया है चारों तरफ से। मंदिर में मुझे महंत गिरी जी मिले और जिनसे मैंने बहुत बात की और काफ़ी विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे चाय भी ऑफर की और साथ में मुझे मंदिर के बारे में भी बताया। एक्चुअली मैं उन्हें कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने मंदिर के बारे में उनसे बात की और उन्हें मुझे बहुत सारी बातें बताई। जो ये मंदिर का नाम है नरसिंह सिद्ध बाबा मंदिर। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इस जगह का नाम है नरसिंह तांडा और जो ये मंदिर है सिद्ध बाबा मंदिर है, तो इसको लोगों ने इसे नरसिंह सिद्ध बाबा मंदिर के नाम से जानते हैं। जो मंदिर का आप ये स्वरूप देख रहे हैं ये पहले ऐसा नहीं था, अभी इसे रिनोवेट किया गया है जिसमें गांव के लोगों ने मदद की और इसमें मुख्य योगदान है महंत गिरी जी का जो लगभग 45 साल से इस मंदिर में रह रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। Thanks for watching.